हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है? देखिए, कोई भी नंबर जो कि हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां की पी और क्यू इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम डिफाइन करें इसे तो क्या हो जाएगा, नंबर्स विच कैन बी रिटन एज और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाय क्यू, पी और क्यू यहां जो होते हैं वो इंटीजर्स हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स होने चाहिए पी और क्यू। और दूसरा कंडीशन होता है, आपको यहां देखिए, डिनोमिनेटर जो है क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने चाहिए, तो इसे बोलते हैं आर रैशनल नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे इसके अगर एग्जांपल हम ले, तो देखिए, मान लीजिए आपके 1/2 है, ठीक है, तो 1 और 2, ठीक है, 1 इक्वल टू p अगर आप मानते हैं, 2 को q, तो p और q दोनों इंटीजर हैं और q जो है मींस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1/2 आपके हो गए रैशनल नंबर। सिमिलरली 1/8 अगर निगेटिव ले लें तो -8/5, ये भी आपके देखिए p और q दोनों इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मान लीजिए ऊपर आपका पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, ये भी आपका जो है एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली अगर 1/2/3, तो इसे भी आप एज ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 5/3, तो ये भी आपका रैशनल नंबर्स है, जहां भी आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं 0.99, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, इसे भी हम लिख सकते हैं 99/100 के फॉर्म में, ठीक है, पी बाय क्यू और क्यू जीरो नहीं है, ठीक। तो ये आपके हो गए रैशनल नंबर। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर देखिए, जो कि हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो रैशनल नहीं है वो सारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। नंबर्स अगर डेसिमल फॉर्म में हो और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। रैशनल नंबर में क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है, ठीक है, रिपीट कर रहा है या आपका टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। बट इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स अगर इसे डिफाइन कर ले हम, नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल would be in non-terminating, would be in non-terminating and non-repeating, non-terminating and non-repeating, non-repeating form, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे, ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर हम ले, तो देखिए √2, √3, √5, ठीक है, सिमिलरली √7, पाई जो है आपका, देखिए 22/7 जो हम लेते हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, पाई भी हमारा
एक इरेशनल नंबर है, इसके वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट होता तो पाई हमारा एक रैशनल नंबर होता, ठीक है। तो पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली ई एक्सपोनेंट की बात करें तो ये सारे जो है हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। अगर डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करें कुछ नंबर्स को, सपोज 1, 3, ठीक है, अगेन 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3, यहां देखिए आपका 1 तो रिपीट हो रहा है, बट 3 देखिए नॉन रिपीटिंग है। पहला में आपका सिंगल डिजिट है, दूसरे बार 3 जो है 2 times, उसके बाद 3 times, इसी तरह आपका ये आपको होगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। थैंक यू।